सतना के नवनिर्वाचित महापौर योगेश ताम्रकार ने रविवार को टाउन हॉल में सतना के छठवें महापौर के पद की शपथ ली। महापौर ने हिंदी के साथ देव भाषा संस्कृत में भी शपथ ग्रहण की। उनके साथ भाजपा व निर्दलीय पार्षदों को कलेक्टर अनुराग वर्मा ने शपथ दिलाई। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने उन्हें हिंदी में शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि वे सभी भाषाओं की जननी संस्कृत में शपथ लेना चाहते हैं। इसके बाद महापौर ने संस्कृत में भी शपथ का वाचन किया। नव निर्वाचित महापौर ने शपथ लेने के बाद अपने पहले भाषण में अपनी जीत पर जनता के स्नेह सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से ही उन्हें यह मुकाम मिला है। वे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। महापौर ने अपने घोषणा पत्र में वादों को दोहराते हुए कहा कि संपत्ति कर को यथोचित करना, अतिक्रमण हटाना और शहर को इंदौर से भी ज्यादा स्वच्छ बनाना उनकी प्राथमिकता है। समस्याओं के निराकरण हेतु उन्होंने हेल्प डेस्क शुरू करने की शपथ के दौरान घोषणा की। श्री ताम्रकार ने अपनी पहली MIC में मलिन बस्तियों का नामकरण सेवा बस्ती करने का प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजने की बात कही। नगर निगम के बारे में लोगों की अवधारणा को भी बदला जाएगा। किसी को निगम के काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जो अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हीं के साथ नगर निगम में सेवा के आदर्श प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए हेल्प डेस्क शुरू करने की जानकारी देते हुए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। सतना से उत्तम पांडे की रिपोर्ट।